संख्या, ठीक है, और ये है घरों की संख्या। यहाँ पर पौधों की संख्या दे रखी है, यहाँ पर घरों की संख्या, तो आपको ऐसी टेबल दी हुई आएगी पेपर में, ठीक है। तो पेपर में ऐसी टेबल देगी, हमें प्रतिकृति से इसका समांतर माध्य ज्ञात करना है, और समांतर माध्य ज्ञात करेंगे यहाँ पर लिखेंगे। जब हम समांतर माध्य ज्ञात करते हैं, यहाँ पर अगर अंतर आ जाए तो हम चार सारणी बढ़ाएंगे। कितनी सारणी बढ़ाएंगे? चार, नहीं, हमें तीन सारणी बढ़ानी पड़ती है अगर यहाँ पर एक एक संख्या होती तो, ठीक है। यहाँ पर कई संख्या है, दो, अंतर दे रखा है, तो सारणी कितनी बनानी पड़ेगी? चार, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगी घरों की संख्या, यहाँ पर लिखेंगे घरों की संख्या, ठीक है, संख्या, यहाँ पर लिखेंगे घरों की संख्या। इसको कहते हैं एक्स और इसको बोलते हैं एफ, ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे अंतर, जीरो दो, दो से चार, चार से छह, छह से आठ, और दस से आठ से बारह, आठ से दस, क्या आ जाएगा? आठ से दस, दस से बारह, बारह से चौदह, ठीक है। अब हम यहाँ पर जमा देंगे, सामने जमाना है संख्या, संख्या के सामने संख्या जमनी चाहिए, ठीक है। एक, दो, दो, एक, तीन, एक, पांच, और पांच, छह, छह, दो, दो, तीन, तीन, ठीक है। संख्या के सामने संख्या जमानी है, किसके सामने? संख्या के सामने संख्या, एक, क्या आएगा? एक, जीरो के बाद क्या आता है? एक, यहाँ क्या लिख देंगे? जब समानांतर हो, दो के बाद क्या आता है? तीन, यहाँ पर क्या लिख देंगे? तीन, चार के बाद क्या आता है? पांच, यहाँ क्या लिख देंगे? पांच, छह के बाद क्या आता है? सात, यहाँ पर क्या लिख देंगे? सात, नौ लिखता है, आठ के बाद नौ, और दस के बाद ग्यारह, ग्यारह, बारह के बाद तेरह, सुनाओ। जब अंतर समान हो, जिसमें समान अंतर हो, तो हम संख्या जमाएंगे, जीरो के बाद एक आता है, दो के बाद तीन आता है, चार के बाद पांच आता है, पांच के बाद सात आता है, चार के बाद पांच आता है, और छह के बाद सात आता है, सात के बाद आठ के बाद नौ आता है, दस के बाद ग्यारह आता है, बारह के बाद तेरह, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? निकालेंगे, अगर हम ऐसा नहीं करें तो हम ऐसे कर सकते हैं, इसको 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 जोड़ देंगे और इसका आधा कर देंगे, क्या आ जाएगा? एक, दो का आधा एक, दो का क्या आएगा? छह, छह का आधा क्या हो जाएगा? तीन, छह का दस का दो पांच, आठ चौदह का दो सात, मतलब इनको जोड़ कर भी हम कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास, अब हम क्या करेंगे, ठीक है, अब हमें कुछ नहीं करना, इसको बोलते हैं सिग्मा एफ, क्या करेंगे? सिग्मा एफ, ठीक है। अब हमें सिग्मा एफ एक्स ज्ञात करना, क्या ज्ञात करना है? सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एफ एक्स ज्ञात कैसे करेंगे? इसका गुणा हम इस संख्या से करेंगे, ठीक है। एक का एक, तीन दूना छह, यानी कि हमको इस संख्या का गुणा इससे करना है, ठीक है। ये कहता है सिग्मा एफ एक्स, सूत्र बोल रहा है, अब मेरा सिग्मा एफ का किससे गुणा कर दो? एक्स से, किससे गुणा कर दो? एक्स से, ठीक है। ये संचय बारंबार आता है, ये एक्स है, और इस नाम सिग्मा एफ एक्स से क्या कर देंगे? गुणा, ठीक है। तो एक का एक, दो, तीन दूना छह, पांच एक पांच से करेंगे क्या आ जाएगा? सात पंजे पैंतीस, नौ का पहाड़ा छह बार बोलेंगे, ठीक है। तो पांच एकम पांच, सात पंजे पैंतीस, नौ छिके चौवन, नौ छिके आ जाएगा चौवन, नौ का पहाड़ा जब हम छह बार बोलेंगे तो नौ छिके चौवन, तो ग्यारह सुना बाईस, तेरह यार, हमें सिग्मा एफ एक्स प्राप्त हो गया, क्या प्राप्त हो गया? सिग्मा एफ एक्स, और ये होता है सिग्मा एफ, क्या होता है? सिग्मा एफ, ठीक है, सिग्मा एफ, सिग्मा एफ है, सिग्मा एफ ना, ठीक है, ठीक है। तो कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं किसी को? कोई प्रॉब्लम? तो हमारे समांतर माध्य समझ में बैठ गया होगा, अब हमें कुछ नहीं करना, चार पाँच नौ, नौ छह पंद्रह, पंद्रह दो सत्रह, सत्रह तीन बीस,
कितना हो जाएगा यहाँ पर 20। मुझे हर सवाल में 20 आते हैं। गिनेंगे 6 और 7, 7 5 12, 12 5 17, 17 4 21, 17 4 16, 21, 21 और 2 23, 23 और 9 32, 32 को 2 फसल लगी 3, 3 और 9 8, 5 8 10 13 और 3 15, कितना गया उत्तर हमारा 152, कितना गया 152। ठीक है, अब हम सूत्र लिखेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे? सूत्र। हमारा सूत्र याद होना चाहिए प्रत्यक्ष। x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बट्टा सिग्मा एफ, उसका ला सिग्मा। ठीक है, ये समांतर माध्य ज्ञात करने का सूत्र है सिग्मा एफ एक्स बट्टा सिग्मा एफ। अब जमा देंगे संख्या को, इसको जमा देंगे संख्या। कैसे जमाएंगे? कितना है सिग्मा 152, कितना है सिग्मा एफ एक्स 152। एक्स बार बराबर 152 बट्टे में कितना है सिग्मा एफ 20। कुछ नहीं करना, दो को 152 कट जाएगा, नहीं 2 7 14 और 2 6 12, 76 बार जाओ 2 कट को 0 बची। ठीक है, 76 बना और सबसे 76 करो सबसे 76 करो, कितना बच गया फिर 76 के से बना को 2 6 12, तो ये 0 बच की पॉइंट लगा 7.6। ऐसा नहीं करेंगे, कितनी बार जाएगा इस नंबर का? 20 × 15 बार, ये होता करें 15 × 20 = 300। हाँ भाग करो 20, उत्तर कितना जाएगा 7.6। 7.6 कितनी बार मिलता है 6.6 0, शेष संख्या बात करेगा देंगे पॉइंट, तो उत्तर आया हमारा 7.6। ठीक है, ये समांतर माध्य ज्ञात।